जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सारे लोगों का मेजर कल्सी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक वेडनेसडे, प्रत्येक बुधवार को 9 से 10 इस आपके एग्जाम के लिए विद कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट डेली पढ़ाता हूं। और जीएस का मैं दावा करता हूं, अगर आप केवल इस क्लास को ही अटेंड करें तो भी आप बहुत बेहतरीन एग्जाम में प्रदर्शन करेंगे। आप श्योर पास होंगे, कोई रोक नहीं सकता। और इफ पॉसिबल देन आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आराम से मेजर कल्सी से जुड़ जाएं और आपका एक सीट एकदम पक्का। आइए मेरे शेरों, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि ये जो प्रश्न है बहुत ही धाकड़ है, इसलिए सारे लोग इसको एकदम याद किए रहेंगे। आइए, इन विच सिटी द क्रिडाई गार्डन पीपल्स पार्क वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में क्रिडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद, लखनऊ। तो क्या होगा मेरे शेरों इसका सही जवाब? जुड़ जाइए शेरों, बिल्कुल ना लेट करें, बिल्कुल लेट ना करें। माय डियर राजा राज बन्ना, सुबोध गायकवाड़, अंकित चिकवा बेटा फ्रॉम एमपी, दनादन शेर, दनादन एक बार शेयर कर दें तो इसका करेक्ट पहले तो याद कर लें। क्रिडाई गार्डन पार्क कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कहां पर मेरे शेर? अहमदाबाद। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द पब्लिक पार्क नेम्ड क्रिडाई गार्डन पीपल्स पार्क एट अहमदाबाद। इसको आप याद किए रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए कम टू द नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े बांधों पर अंतरराष्ट्रीय आयोग की 91वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वॉज द 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम हेल्ड? कहां पर बेटा? आई कॉल्ड 2023 जिसको आप कह सकते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, इंडिया, ब्राजील। क्या जवाब होगा? इतने बेहतरीन प्रश्न है बेटा, एक बार शेयर कर दें जम के मेरे शेरों, जम के शेयर कर दें। अंकित चिकवा, अंशु माय डियर वेलकम, वेलकम माय डियर अंशु जी, वेलकम अंशु सिंह, विपिन पटेल, अभिषेक, सारे शेर जम के जुड़ जाए, लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? स्वीडन। क्या होगा? स्वीडन। द 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स टुक प्लेस इन गुटेनबर्ग। कहां पर? गुटेनबर्ग स्वीडन, फ्रॉम 11th टू 15th जून 2023 AD। कहां पर? एक बार यार जम के मेरे शेरों, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, ठीक से एक बार संख्या बढ़ाएं, मजा नहीं आ रहा। आप लोग इतने अच्छे हैं, अंशु जी आप इतने मस्त हैं, इतने अच्छे हैं, विपिन आप बहुत अच्छे हैं, अभिषेक जी ये बताइए, इसके बाद आप शेयर करें, शेयर करें, संख्या बढ़े, ठीक मेरे शेरों। आइए, एक क्लास आखिर किसके लिए चलती है? आप लोगों के लिए। किसके लिए डियर? आप लोगों के लिए। और इसको आप नोट भी करते चलेंगे। आए अभिषेक कुमार जी, यहाँ पर देखिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए कौन सी प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की? मिनिस्ट्री ऑफ कोल अनाउंस्ड द इनिशिएशन ऑफ विच प्रोसेस फॉर कोल एंड लिग्नाइट
माइंस, इसको आप बताइए कौन सा, ग्रीवेंस, रेजिस्टर, स्टार रेटिंग्स, ऑनलाइन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस या एफोरेस्टेशन। आप बताएं कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट खनादों के लिए कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट किया है मेरे शेयरों। तो भैया इसका करेक्ट जवाब स्टार रेटिंग्स, कौन सा शेयर, स्टार रेटिंग्स। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कोल अनाउंस्ड द इनिशिएशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर रेटिंग्स कोल एंड लिग्नाइट माइंस। ठीक मेरे शेरों, गज एकदम गजब का एकदम संख्या पहुंचा दिए, यही संख्या चाहिए। एक बार और ध्यान लगा दें माय डियर अंशु जी, अंशु एंड विपिन पटेल, अभिषेक, अनुराग पांडे जी वेलकम, अनुराग, अनुज्ञा, अनुज्ञा नाम, आई एम सॉरी माय डियर अनुज्ञा पांडे भैया, विपिन जी एकदम वेलकम, मोस्ट वेलकम, राज बनना, बस शेयर कर दें, संख्या ताबड़ तोड़ रहनी चाहिए, तभी असली मजा है। आए और प्रश्न बहुत धाकड़ है, जोरदार है, शानदार है बेटा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो लोग हिल जाएंगे, अंदर से कांप जाएंगे। ठीक से आइए अब आप हिंदी लैंग्वेज में, अच्छा हिंदी में, ठीक ठीक देखिए क्या है वासो वागल सिंकोप जो खबरों में दिखा, वासो वागल सिंकोप, बहुत बढ़िया, इसी को नोट कर लें, वासो वागल सिंकोप जो खबरों में बहुत दिन से चर्चा में चल रहा, आखिर क्या है शेर। तो व्हाट इज वासो वागल सिंकोप विच वाज सीन इन द न्यूज, जो कि बहुत दिनों से समाचार में दिखाई दे रहा, मोनूमेंट है, न्यू स्पीसीज है, मेडिकल कंडीशन है, वैक्सीन है, क्या है कोई वैक्सीन है या कोई स्मारक है या न्यू स्पीसीज, क्या कोई प्रजाति है या मेडिकल कंडीशन, क्या कोई ऐसी चिकित्सीय विधि है। तो आप बहुत ध्यान से देखें अंशु, हाँ अंशु सराज एकदम 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 आए वेलकम, वेलकम है आप लोगों के लिए, एकदम जान हाजिर है, आए शेरों। अब आप देखें धुआंधार, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, मेडिकल कंडीशन, क्या होगा मेडिकल कंडीशन, समोसा मिठाई सब आप लोगों को मिलेगा जब पढ़े और पास हो। ठीक से वासो वासो वागल सिंकोप इज अ कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्ड या कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन ड्रॉप इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर लीडिंग टू फेंटिंग। ठीक बेटा, तो हमको लग रहा आप केवल रट ले मेडिकल कंडीशंस, आए शेरों ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न, खबरों में देखा गया पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से, वेस्टर्न डिस्टरबेंस विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, एसोसिएटेड विद विच फील्ड, संख्या मस्त नहीं है जान लीजिए, जम के शेयर कर दें नहीं पीटेंगे भी, ये जान लीजिए। आप लोग कैसे हैं, आप लोगों को रहते हुए संख्या इतनी कम, जय हिंद, मैं अभिषेक पांडे भैया, अभिषेक मोटिवेशन नाम से जुड़े वेलकम, अंशु जी, आकाश राज वेलकम, यही सारी क्लास मैं आप लोगों को पढ़ने करता हूँ, ये वही क्लास है जहां से बच्चे पास होते हैं, क्यों, करंट अफेयर इसका नाम है, क्या नाम है, करंट अफेयर्स। तो अब आप देखें यहाँ पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र से, या कल्चर या संस्कृत, वेदर या मौसम, फाइनेंस या वित्त, स्पोर्ट या खेल जगत, स्पोर्ट्स या खेल जगत। तो क्या पश्चिमी विक्षोभ खेल से संबंधित है,
वित्त से संबंधित है, वेदर से संबंधित है या कल्चर से संबंधित। तो शेर क्या कहेंगे आप लोग इसमें, क्या सही जवाब होगा? हाँ बी, यस अनुज्ञा पांडे, शानदार अभिषेक कुमार, करंट अफेयर्स, हाँ 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 यस बेटा यस यस बेटा यस करंट अफेयर्स। तो अब एकदम सही जवाब काफी बच्चों ने भेजा है, बिल्कुल सही शानदार जवाब। कौन सा वेदर क्या होगा मेरे शेरों, वेदर। और अब यहाँ पर जो वेदर डिपार्टमेंट है वेदर, तो इसको ऑप्शन बी आप कहेंगे, कौन सा शेर कहेंगे ऑप्शन बी। आइए वेदर डिपार्टमेंट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिफर टू एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिना दैट अफेक्ट्स द वेदर पैटर्न इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर मंथ। ड्यूरिंग द कौन सा मंथ, विंटर। इन इंडिया देयर हैज बीन अ नोटेबल अल्टरेशन इन बिहेवियर ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर अ मिनिमम 3 years। तो अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ है एकदम ऐसे ही संख्या बढ़ाए रहे। अंशु हाँ बी सही होगा, गुड। अगला ऑफिशियल डीएस चैनल बेटा, गुड वेलकम भैया। वैभव कैफसे, वैभव वेलकम फ्रॉम महाराष्ट्र, वैभव गुड शानदार शेरों। और बस एक बार सारे लोग जम के लाइक कर दें और शेयर कर दें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। अंशु जी ये मेरी दिली इच्छा है कि आप सारे लोग इसको जम के लाइक करें शेयर करें। और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत के उत्तरी भाग में बारिश होती है और ये बारिश दिसंबर लास्ट जनवरी फरवरी माह में होती है। इट ऑकर्स इन मंथ जन एंड फेब मंथ, जनवरी और फरवरी महीने में होती है। यस मेरे से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग। आइए कैसे लेट हो गया। और यहां से रिलेटेड आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर ले, किसके द्वारा हमें 5 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। बाय इट इंडिया गेट 5 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑफ इट्स टोटल रेन। ये अपने भारत कुल रेनफॉल का संपूर्ण वर्षा का कितना 5% वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा पाता। आइए मेरे शेरों, अब आप सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही निवेदन करेंगे, आप अपने उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए मेरे शेरों आप सभी लोग ये जान लीजिए, एक सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक शेरों, जो कि 16 वर्ष से एकदम आपको बंपर फौज में बना के भेज रहा, फौजी बना रहा, सिलेक्शन दिला रहा, आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी के एग्जाम के लिए आज ही कॉल करें, आज ही क्या करें कॉल करें। ये रहा नंबर फौरन सून कॉन्टैक्ट, जल्द जुड़े कॉल करें। और जुड़ते ही आप सारे लोगों को रिटेन फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन डाउट काउंटर जैसी आपको बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी। और ये दिस ऑफर इज ओनली लिमिटेड ऑफर, सो कॉन्टैक्ट सून मेरे शेरों, मेरे प्रिय छात्रों, ठीक। आइए अब हम लोग और आगे बढ़े। भैया देखिए भविष्य बनाने से
और अच्छा कोई चारा नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको तपस्या करनी होगी और इस तपस्या में जो हमारे देश के संपूर्ण छात्र हैं जो इन परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, एक लिमिटेड समय के लिए विशेष ऑफर, आप जल्द संपर्क करें, जाने और जुड़े आइए से। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, जर्मी के शोधकर्ताओं ने किस तत्व से सफलतापूर्वक सुपर कैपेसिटर बनाया है? रिसर्चर्स फ्रॉम जर्मी है सक्सेसफुली क्रिएटेड अ सुपर कैपेसिटर फ्रॉम विच एलिमेंट? ये बताइए, ये आप देखिए, जर्मी के शोधकर्ता, अनुसंधान करने वाले, नई नई चीजों के बताने वाले, आखिर सुपर कैपेसिटर कौन सा सुपर कैपेसिटर बनाया? कॉटन, जूट, पेपर, रेयन। कॉटन मीन्स कपास, जूट, पेपर और रेयन। तो क्या होगा शेरो? एक बार और ये मेरे दिल की हार्दिक इच्छा है कि आप एक बार और जम के शेयर कर दें, लाइक करें, तभी असली मजा आएगा। ठीक से अनुज्ञा पांडे, वेलकम बेटा, वेलकम। हाँ गुड, ठीक, आइए। सिक्स का क्या होगा? हाँ गुड, आपके दिल में चल रहा होगा कि सर जल्द जवाब बताएं, तो आइए इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। क्या है? पेपर। क्या है? पेपर। यह सुपर कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस डिजाइन्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज, नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू रैपिडली चार्ज एंड डिस्चार्ज हाई पावर डेंसिटी एंड एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन। एक्सपेंडेड लाइफ स्पैन। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये तो आप बता देंगे, हेलियोपोलिस मेमोरियल जो खबरों में था किस देश में स्थित है? हेलियोपोलिस मेमोरियल जो खबरों में था, जो चर्चा में था, किस देश में स्थित है? यहां देखिए, हेलियोपोलिस मेमोरियल Which was seen in the news is located in which country? Japan, USA, Egypt. Egypt means Mesh, or Germany. Or Germany. तो कहाँ है? Good. शानदार संख्या पहुंचाए हैं मेरे शेरों। बस ऐसे एक बार और ताबड़तोड़ पहुंचा रहे शेर। राजदीप दुबे, वेलकम। वेलकम मोटिवेशन बेटा, वेलकम अंशु जी, मोस्ट वेलकम सारे छात्रों का, मोस्ट वेलकम शेर। आइए अब आप अगला प्रश्न देखिए, इसका जवाब पहले देखिए। हेलियोपोलिस मेमोरियल क्यों खबर में है? पहली बात तो ये देखिए, है कहाँ? इजिप्ट में। इजिप्ट, इसको आप हिंदी में मिस्र कहते हैं। क्या कहते हैं शेरों? मिस्र कहते हैं। तो ये कहां पर स्थित है? मिस्र। ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द हेलियोपोलिस वार सीमेटरी इन कायरो इजिप्ट टू ऑनर द मेमोरी ऑफ अराउंड 4,000 इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन वर्ल्ड वार फर्स्ट इन इजिप्ट एंड फिलिस्तीन। किसे? फिलिस्तीन। ठीक बेटा, अगला एक बार जम के संख्या क्या यार इस धरती पर आपके यार दोस्त सखा सहेलियां नहीं है यार, इसके बावजूद भी इतना कम संख्या, हमको बहुत कष्ट है। यस निखिल शुक्ला, वेलकम वेलकम, ताबड़तोड़ शेयर कर दे बेटा, लाइक करें, शेयर करें। आज सारे प्रश्न जोरदार हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जगन्नाथ
सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जगन्नान सुरक्षा, विच स्टेट आर यूटिलाइज्ड जगन्नाना सुरक्षा प्रोग्राम, किसने शुरू किया, किसने? अब आप देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तो किसने प्रारंभ किया से बताएं। इसका करेक्ट जवाब आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आइए, मिस्र ने किस व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान प्रदान किया? इजिप्ट कंफर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑनर टू विच पर्सनालिटी? किसे? रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह? किसको? किसको शेर, किसको भैया? यस, बीरेश यादव, वेलकम, वेलकम शेर। एक बार जम के फिर सारे लोग लाइक कर दे मेरे शेरों, मेरे प्रिय छात्रों। हाँ, यस, वेलकम भैया, वेलकम प्रभु। और एक बार जम के आप, हाँ, राज बन्ना, गुड। अनुज्ञा पांडे सर, हिंदी लैंग्वेज में है क्या? ये दोनों में था यार, हम सोचे कि आप लोग इंग्लिश पसंद कर रहे हैं, चलिए अगली बार से दोनों में कर देंगे, आज अभी तो इसी में है, दोनों भेज देंगे आप लोगों के पास। वीरेश बेटा, हिंदी, हिंदी में तो है, हिंदी में नाइन का सी होगा। अनुज्ञा बेटा, थोड़ा आज कोऑपरेट करें, क्या होगा, इतना अंग्रेजी जाने तभी असली मजा है। इसका करेक्ट जवाब नरेंद्र मोदी। इतना तो आप अनुमान लगा सकते थे, कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक मेरे शेरो। हाँ, गर्द, बस हम यही कहेंगे, आप एकदम दिल से जुड़े हम लोगों से, हमसे, मेजर कल्सी क्लासेस से, आप सफल हो जाएंगे, ठीक। आइए अगला प्रश्न। अब आप यहां पर बहुत ध्यान से देखें, नागोर्नो काराबाख वह क्षेत्र है जो किन दो देशों के बीच विवादित है? बहुत ही जोरदार प्रश्न है आज तो। नागोर्नो काराबाख वह क्षेत्र है, वह जगह है जो दोनों देशों के बीच विवादित है। नागोर्नो काराबाख इज अ रीजन विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, अमेरिका एंड अजरबैजान, सॉरी आर्मेनिया एंड अजरबैजान, रशिया एंड यूक्रेन, यूएसए एंड मैक्सिको, नेपाल और चाइना, नेपाल एंड चाइना, यूएसए एंड मैक्सिको, रशिया एंड यूक्रेन और आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये जो जगह है नागोर्नो काराबाख किस देश से संबंधित, किस देश से संबंधित, फौरन बताएं, किससे बताएं से। तो ये इसका करेक्ट जवाब आर्मेनिया और अजरबैजान। किससे बेटा? आर्मेनिया एक देश है और अजरबैजान, ठीक। हमको लग रहा है बहुत तगड़ा प्रश्न आज लेते आए, इसलिए आप सुस्त पड़ रहे हैं, ठीक। अगला, अब आप देखें, पियारो सोमा अरुडाचेलेंसिस जिसे हाल ही में खोजा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? बहुत धाकड़ प्रश्न है सर। पायरियो सोमा अरुडाचेलेनेसिस विच वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बिलोंग टू विच स्पीसीज? तो ध्यान से पढ़ ले, पियारो सोमा रट ले, अरुडाचेलेंसिस किससे संबंधित? एक मोथ है, स्पाइडर है, टर्टल है या स्नेक है? इसका मतलब सर्प, सर्प, सर्प या कछुआ?
ठीक, तो ये किससे संबंधित गठ, संख्या तो एकदम जोरदार बनाए हुए हैं। चंदन, चंदन यादव बेटा वेलकम वेलकम, चंदन भैया बिहार, नरेश वीरेश सराज भव वेरी गुड, एकदम एकदम आप लोग दिल से जुड़े हैं। आल हाँ यस बेटा धनाधन, तो इसका क्या होगा, इसका सही जवाब मौत, क्या है मौत, ठीक बेटा मौत। आइए कम टू द नेक्स्ट, हम लोग और आगे बढ़े, इससे पहले हम आपको बता दें कि आप मेजर कल्सी लर्निंग ऐप से जुड़े, जो कि इंडियाज नंबर वन ऐप फॉर डिफेंस, ये डिफेंस का नंबर वन ऐप है, फौरन जुड़े, जो कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा बेस्ट चीप एंड बेस्ट, देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर, हर गरीब बालक अब बिल्कुल आपका सपना साकार होगा, बिल्कुल न डरे, बस आप जुड़े आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी, ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक मेरे शेर, और आपसे बता रहे लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम के लिए है ये ऑफर, आप आज ही कॉल करें, तुरंत कॉल करें, फौरन जुड़े, बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। तो मेरे शेरों, आप आर्मी एसएससी जीडी और यूपीपी या डिफेंस में जाने का जो लोग सपना पाले हैं, आइए इंडिया के नंबर वन सबसे सस्ता सबसे अच्छा संस्थान से आप जुड़े, मेजर कल्सी क्लासेस, जो कि इंडिया का नंबर वन डिफेंस है। मेरे शेर आए कम टू द नेक्स्ट, उसमें सोचे विचारे न, आप फौरन जुड़े। आइए इस प्रश्न को आप बता सकते हैं, याद देखें क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 विच सिटी इज द होस्ट ऑफ क्वाड समिट 2023, न्यू दिल्ली, सिडनी, टोकियो, न्यूयॉर्क, कौन होगा शेरों, कौन होगा, जम के अंशु अंशु, चंदन यादव फ्रॉम बिहार गुड वेलकम 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 शेर, और आप यहाँ पर आप सही जवाब भेजिए, आखिर इसका सही जवाब क्या होगा, करेक्ट जवाब सिडनी, क्या होगा भैया सिडनी होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब भारत ने किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है, किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, ये बताएं, इंडिया लॉन्च द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विथ विच कंट्री, किसके साथ से, यूएसए के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, किसके साथ, बोले मेरे भैया परीक्षा बताएं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आइए बोले इसका करेक्ट जवाब आपका यूके, किसके साथ, यूके, यूनाइटेड किंगडम। आए अगला पॉइंट, अब आप अगला प्रश्न देखें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, जगनन्ना जगनन्ना चेबुदम योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जगनन्ना चेबुदम योजना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जगनन्ना चेबुदम स्कीम, क्या है, ग्रीवेंस रिड्यूशन, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, फाइनेंशियल एड टू वुमेन,
फाइनेंशियल एड टू ट्रांसजेंडर पीपल, क्या होगा? तो इसका करेक्ट जवाब ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल। अगला, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? भारत में कौन परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन है? विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DRDO। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। मेरे शेरों गजब कमाल के छात्र हैं आप, गजब शेर गजब। चंदन ब्रिजभूषण वेलकम शेर वेलकम। और एक बार जान लगा दे तो यस वीरेश वेलकम शेरो, संख्या तुरंत सेंचुरी मारे आप लोग। अगला, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? किसमें किया जा रहा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट आर यूटी? क्या होगा शेरो जम की संख्या आप एकदम ताबड़तोड़ नहीं पहुंचा रहे, जान लीजिए पीटेंगे आप लोगों को। आप सारे लोग जो है इसके बावजूद भी संख्या मजा नहीं आ रही। कहां? माही बांसवाड़ा राजस्थान। किस जगह से? राजस्थान। और आप मेरे प्रिय छात्रों आपको बता दें MKC पब्लिकेशन से आप जुड़े, जिससे बाय विच यू कैन क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स, जो आपको फौजी बनाए विद MKC पब्लिकेशंस बुक। आप फौरन ऑर्डर बुक करें और इसका 25% डिस्काउंट का या लाभ उठाए से, साथ ही साथ फ्री डिलीवरी। देख रहे हैं रीजनिंग UPP के लिए, सामान्य विज्ञान ठीक बेटा, अग्निवीर आर्मी GD के लिए और रीजनिंग ठीक मेरे शेरों, फौरन ऑर्डर बुक करें, फौरन इसका लाभ उठाएं, डिस्काउंट का या फ्री डिलीवरी का। ठीक शेरों फौरन जुड़े आप, ये वे बुक्स हैं जो आपको फौजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फौजी। तो आप सपना साकार करें, इनसे जुड़े, तुरंत ऑर्डर बुक करें। आए लाइबेरिका एक्सेलता जो समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? तो लाइबेरिका एक्सेलता ये किससे संबंधित? लाइबेरिका एक्सेलता विच वाज सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीसीज, किस स्पीसीज से संबंधित है? चाय से टी, कॉफी या राइस या चावल जिसको खाते, वीट या गेहूं से, बताएं क्या होगा? फौरन बताएं क्या होगा शेरो, बोलिए ताबड़तोड़ जवाब दें। इसका करेक्ट जवाब कॉफी से, किससे है? कॉफी से। ठीक, आइए नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्विज नंबर 18। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में व्यसन मुक्ति अभियान शुरू किया? व्यसन मुक्ति अभियान स्टार्टेड। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च
एडिक्शन फ्री कैंपेन इन विच स्टेट, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और बिहार। कौन सा होगा शेरों, इसको याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। ये तो बात आप लोग जानते भी होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से ही रिलेटेड है। उड़ीसा की एक जनजात ट्राइबल ग्रुप से, ट्राइबल समूह से शेर। ठीक बेटा, आइए कम टू द नेक्स्ट। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 2012, 2016, 2020, 2024। सारे ये करंट से रिलेटेड हैं। यही वो प्रश्न है जहां आपके अलावा सारे लोग फंसते हैं, सॉल्व कर पाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब आप जे एन सर से पढ़ रहे हैं या एमकेसी में पढ़ रहे हैं, इसलिए अब आप कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक शेरों, हाँ इसी बात पर एक बार जम के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर ताबड़तोड़ पहुंचाइए संख्या। आए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 2016। क्या होगा शेरों? 2016। आइए यहाँ पर ऑपरेशन त्रिनेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ऑपरेशन त्रिनेत्रा वाज कंडक्टेड इन आए बेटा आए, आप जानते ही हैं, पहले संख्या बढ़ाए यार, हिलना नहीं है, नेटवर्क इशू आ जाता है, हमें बहुत कष्ट है। आइए कम टू द नेक्स्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। आइए किस नौसैनिक जहाज ने हाल ही में भारतीय नौसेना में अपनी सेवा के 70 वर्ष पूरे किए?
कितने वर्ष 70 विच नावल सिप हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 70 इयर्स ऑफ सर्व टू द इंडियन नेवी INS गरुड़ा INS राजली INS हमसा INS द्रोणा कौन सा शेर कौन सा तो इसका करेक्ट जवाब INS गरुड़ा INS गरुड़ एक बार जम के शेयर कर दे तो जम के लाइक करें शेयर करें अंशु जी जम के आइए अगला पॉइंट सिटवे बंदरगाह जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस देश में स्थित है सिटवे बंदरगाह सिटवे पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन इज इन विच कंट्री कहाँ नेपाल बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका तो सिटवे पोर्ट कहाँ है इसका करेक्ट जवाब म्यांमार कहां पर सिटवे बंदरगाह फौरन नोट कर लें सेरो कहां पर म्यांमार नेक्स्ट और आपको बता दें कि आप अब हर घर में होगा फौजी ऑप्शन MKC टेस्ट प्रेप ऐप को आप डाउनलोड करें बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम आप फौरन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आपको बता दें कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता श्योर पास होंगे जो आप पढ़ते हैं उसी की प्रैक्टिस करें और मैच्योरिटी आएगी क्या आएगी मैच्योरिटी आएगी ठीक मेरे शेरों तो आप फौरन MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें मात्र 199 से शुरू हो रहा है और प्रैक्टिस आप करते रहेंगे या हमसे पढ़ते रहेंगे श्योर क्रैक करेंगे कोई नहीं रोक सकता ठीक शेर आइए तो फौरन आप जुड़े MKC टेस्ट प्रेप ऐप से और आप जल्द से जल्द एग्जाम पास आइए शेर किस संस्था ने स्प्रिंग 2023 आर्थिक पूर्वानुमान जारी किया कौन सी संस्था है जो स्प्रिंग 2023 आर्थिक पूर्वानुमान जारी किया विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्प्रिंग 2023 इकोनॉमिक फॉरकास्ट कौन वर्ल्ड बैंक यूरोपियन कमीशन WEF IMF तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा यूरोपियन कमीशन ठीक से आइए कम टू द नेक्स्ट समुद्री तितलियां किस प्रजाति के उपवर्ग से संबंधित हैं सी बटरफ्लाइज बिलोंग टू अ सब ऑर्डर ऑफ विच स्पीसीज किससे संबंधित बटरफ्लाई स्नेल फिश टर्टल किससे संबंधित ये स्नेल से संबंधित किससे थे स्नेल एक बार यार फिर जम भैया लाइक कर दे कहना पड़ता हमें बड़ी शर्म आती है कि आप लोगों को कहना पड़ता आप मेरे शेर हैं मेरे प्रिय छात्र हैं और आपसे कहें हम तब आप जा करके करते हैं कहने पर आप करते हैं अंशु है नहीं बताइए और धीरेन्द्र मौर्य बेटा निखिल बाबू आइए अगला प्रश्न चावल मक्का कपास की फसलें आम तौर पर किस मौसम में बोई जाती है राइस मेज एंड कॉटन आर यूजुअली सोन इन विच सीजन खरीफ रबी जायद मानसून तो ये तो ये चावल मक्का ये सब किसमें बोए जाते हैं ज्वार बाजरा ये कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन खरीफ की फसल कौन सा शेर खरीफ कम टू द नेक्स्ट अगला
चावल, मक्का, कपास की फसलें आमतौर पर किस मौसम में बोई जाती है? जवाब दूसरा आ गया, नहीं करेंगे। अब आप देखें यहां पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? किसने, विच स्टेट आर यूटी हैज अनाउंस द लॉन्च अ 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम? किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात? तो इसका करेक्ट जवाब उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश से। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, आई डिटेशन किस संस्थान का प्रमुख स्टार्टअप है? आई डिटेशन इज अ फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन? किसका है? IDSN किसका है बेटा? यहां पर जैसे निमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, बार्क, इसरो, RBI, तो ये इसका करेक्ट जवाब निमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी। कम टू द नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने ई स्किन विकसित की है जो विकलांग व्यक्तियों को स्पर्श का अनुभव करने में मदद कर सकती? ई स्किन, विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड ई स्किन दैट कैन हेल्प एम्पुटीज एक्सपीरियंस टच? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? USA। और इसी के साथ आज हम यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तब तक जवाब आप ढूंढे रहिएगा। मछलीपट्टनम बंदरगाह परियोजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ये आपके लिए भविष्य का प्रश्न। और आप फिर ऐसे प्रत्येक बुधवार को, वेडनेसडे को 9 से 10 आप मिला करें करंट अफेयर और GS की BVIP प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए। तब तक मेरे शेरों, आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।